हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अ सिंपल समर स्किन केयर रूटीन। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमें हमारी स्किन के लिए अ गुड क्लींजर चाहिए जिसमें एरोमा भी नहीं हो एंड जेंटल ऑन आर स्किन। यह है असेटाफिल क्लींजर। बहुत सारे वेरिएंट हमें हमारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमें लगाना चाहिए वो है अ गुड लोशन और अ मॉइस्चराइजर। फर्स्ट है जॉनसन्स मिल्क राइस लोशन। ये बेबीज के लिए है बट हमारे स्किन के लिए भी उतना ही लाभदायक है। सेकेंड है सेबामेड क्रीम एक्स्ट्रा सॉफ्ट। ये बेस्ट क्रीम है जिनकी स्किन ड्राई एंड सेंसिटिव है। दिस इज रिच विथ जोजोबा ऑयल एंड नेचुरल लिपिड्स जिससे हमारी स्किन हाइड्रेटेड एंड सॉफ्ट रहती है। नेक्स्ट इज सेटाफिल डैम फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। इट इज रिच विथ शिया बटर। अभी तो ये मेरा फेवरेट लोशन बन गया है। नेक्स्ट स्टेप समर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज नथिंग बट अ सनस्क्रीन। फर्स्ट इज फिक्स डर्मा शैडो SPF 30+ जेल एंड सेकेंड इज माई मोस्ट फेवरेट डॉक्टर शेथ सनस्क्रीन। ये ऑल स्किन टाइप के लिए भी यूजफुल है, स्पेशली फॉर टीनेजर्स विथ सेंसिटिव स्किन। समर्स में भी हमें हमारे लिप बाम को अवॉइड नहीं करना चाहिए। फर्स्ट इज सेबामेड लिप बाम। ये हमारे लिप्स को हाइड्रेटेड रखता है और उसके साथ साथ ही अगर हमारे लिप्स डार्क हो गए तो उसे लाइटन करने में भी हेल्प करता है। सेकेंड लिप बाम है वो है डॉट एंड की हाइड्रेटिंग लिप्स। रखने के साथ साथ हमें टिंट इफेक्ट भी देता है। डोंट अवॉइड यूजिंग फेशियल शीट मास्क। इट प्लेज अमेजिंग ऑन आर स्किन। इसे हमें हमारे फेस पे 10 मिनट रख के उसके बाद अच्छे से मसाज करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज डोंट फॉरगेट यूजिंग अ गुड मॉइस्चराइजर फॉर योर बॉडी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियो। बाय, टेक केयर।